एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, तो अभी मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है। तो देखिए ये कच्ची हल्दी है, तो ये कच्ची हल्दी मंगाई है मैंने हस्बैंड जी से। तो ये है ना, सब्जी बाज़ार में मिल जाती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये सब्जी मंडी से लेके आए थे इसके पापा, तो बहुत आसानी से मिल जाती है। तो कच्ची हल्दी का अचार भी बनता है, तो अभी मैं अचार नहीं बना रही हूँ इसको, इससे है ना हल्दी पाउडर बनाऊँगी। तो हल्दी पाउडर बनाने के लिए देखिए मैंने पहले कच्ची हल्दी ले ली है, और लेने के बाद फिर इसको है ना धो रही हूँ मैं। तो तीन से चार पानी से धोई थी मैंने इसको, तो ये जो भी मिट्टी होगी ना इसमें लगी हुई, तो ये मिट्टी निकल जाएगी। तो ये मैंने हल्दी को अच्छे से धो ली है फ्रेंड्स, और इसमें ना मिट्टी रह जाती है फिर, तो इसलिए धोई थी। और ये धोने के बाद है ना मैंने कुकर में डाल दी इसको। तो इसको कुकर में डालने से क्या होगा ना कि इसको 10 से 15 मिनट तक बॉईल करना पड़ता है, तो बस इसको उबाल लेंगे 10 से 15 मिनट। तो ये देखिए मैंने कुकर को बंद कर दिया है, और गैस पे रख देंगे हम कुकर को। तो ये 10 से 15 मिनट में अच्छे से हो जाती है। और तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस को बंद कर दिया था, और गैस को बंद करने के बाद में ये देखिए अभी कुकर को खोला है, तो ये हल्दी हमारी अच्छे से उबल गई है। और ये मैंने ज़्यादा देर नहीं रखी थी, 10 से 15 मिनट ही रखी थी, लेकिन है ना हल्दी का पानी देखिए किस तरह से एकदम पीला हो गया है। तो वो पानी निकाल दिया है मैंने, और फिर हल्दी को बाहर निकाल ली। तो उबालने से तो हल्दी में जैसे और कलर आ जाता है अच्छे से। तो ये थोड़ी देर ठंडी हो गई थी, और ठंडी होने के बाद फिर मैं इसको छील रही हूँ, तो बड़ी आसानी से छिला जाती है। और जब कच्ची रहती है ना जब, तो और भी थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब उबाल लेते हैं ना उसके बाद तो और आसानी से छिला जाती है। तो अभी छील रही हूँ मैं, तो ये जो आलू छिलने वाला चाकू है ना इससे छिल रही हूँ, तो इससे बहुत जल्दी से छिला गई थी हमारी हल्दी। और देखिए छिलने के बाद कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल पीले कलर की हल्दी निकली है हमारी, अंदर से एकदम अच्छा सा कलर आ गया है। तो ये हल्दी है ना खाने में भी अच्छी रहती है, जैसे पेट दर्द हो रहा है, कुछ भी तकलीफ़ होती है, तो ये हल्दी है ना कुछ भी मिलावट नहीं रहती है घर की बनी हुई हल्दी में, तो बहुत अच्छी रहती है और फ़ायदा भी बहुत करती है ये हल्दी। तो बस इसी तरीके से हमने सारी हल्दी छील ली थी। तो देखिए ये पूरी थाली भरी हुई थी हल्दी की, सारी छील ली, और ये छिलके निकले हैं इसके, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने सारे छिलके निकल गए हैं ये। तो बस ये छिलके को हटा दिए मैंने, और ये देखिए हल्दी, तो ये हल्दी छिलने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो गई है। और फ्रेंड्स है ना, वीडियो देखते हो ना तो वीडियो फुल वॉच के साथ देखा कीजिए, और थोड़ा सपोर्ट भी करना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने एक घिसनी ले ली, और घिसनी के ऊपर है ना ये हल्दी को इस तरह से घिस लूँगी। आप चाहो तो चाकू से भी काट सकते हो, लेकिन वो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, और इस तरह से घिसनी पर घिस लेते हैं ना तो फिर टाइम नहीं लगता, जल्दी सूख जाती है। तो बस इसी तरीके से मैंने सारी हल्दी घिस ली थी। तो अभी देखिए थोड़ी दिखा रही हूँ आपको, और इस तरह से देखिए ये सारी घिस ली है, और ये देखिए निकाल दिए। तो अब इसको हम सूखने के लिए रख देंगे धूप में। तो फ्रेंड्स है ना, आप चाहो तो छाँव में भी सुखा सकते हो, लेकिन छाँव में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं तो छत पे लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे एक पन्नी बिछा दी है मैंने, और पन्नी के ऊपर ये हल्दी डाल रही हूँ मैं, तो ये है ना जल्दी सूख जाएगी धूप में। और अभी तो गर्मी की धूप है ना, तो तेज़ है धूप, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी है ना 1 से 2 दिन तो लगेंगे। तो ये मैं कल बनाऊँगी इसका हल्दी पाउडर, और कल हल्दी पाउडर बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और देखिए सिवाई बनाई थी, तो ये मैं छत पे से नहीं आई ना, तो ये भावना सिवई बना रही थी, तो अभी भावना ने मेरे को दे दी प्लेट में, तो मैं खा रही हूँ। और सिवई खाने के बाद में देखिए फिर पोछे लगाने लग गई थी। तो ये अभी है ना खाना खाने के बाद वाली वीडियो है फ्रेंड्स। तो पहले सुबह में तो एक बार का पोछा लग गया था, लेकिन आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो भावना ने सिवई बनाई थी ना, तो सब ढोल दी थी बच्चों ने, तो बस पोछा लगा दिया है। और ये है ना मूँगफली के दाने मैंने कल रात को भिगोए थे, तो ये अभी निकाल रही हूँ मैं, रात भर भिगो के रखे थे ये, तो इनको निकाल के देखिए मिक्सर में पीस लूँगी दाने को, और एक बारीक अच्छा सा बारीक पीस लेंगे। तो पानी भी डाला है मैंने थोड़ा सा,
और आज है ना मूंगफली के दाने की रेसिपी बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से बारीक से पीस लिए और बिल्कुल भी है ना दरदरापन नहीं रहना चाहिए ज़्यादा। तो देखिए मैंने एक छन्नी लगा दी है और छन्नी के ऊपर है ना कपड़ा रख दिया है, तो छन्नी टिक नहीं रही थी, बार बार गिर रही थी, तो फिर मैंने छन्नी को तो हटा ही दिया था, बस सिर्फ कपड़ा लिया था। तो ये देखिए कपड़े में मैंने है ना ये दूध निकाल लिया, इसका सारा जो भी हमारे मूंगफली के दाने पीसे थे ना उसका दूध निकाल लिया है। तो ये दूध देखिए कितना सारा दूध निकल गया, और ये जो मूंगफली के दाने दरदरापन में रह गए थे ना ये मैंने एक कटोरी में निकाल लिए हैं। तो इसको भी फेंकना नहीं है फ्रेंड्स, कभी भी हम सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें डाल देते हैं तो फेंकते नहीं इसको भी। और दूध को फिर हमने गैस पर चढ़ा दिया था, तो यहाँ पर दूध गर्म कर रही हूँ मैं अभी। तो जैसे हम बाज़ार से दूध लाते हैं ना वही दूध गर्म करते हैं ना, बस उसी तरीके से दूध को गर्म किया था मैंने। और ये देखिए एक नींबू ले लिया मैंने, तो नींबू को काट दूंगी। और दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अच्छे से उबल गया है, देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से उबल गया है। तो उसके बाद इसमें नींबू डाल रही हूँ मैं, तो नींबू डालने से क्या होगा ना कि दूध जो है हमारा फट जाएगा। तो बस ये एक नींबू डाल दिया था इसके अंदर, इसका रस डाल दिया था, तो ये दूध हमारा देखिए फट गया है। और दूध फटने के बाद में फिर मैंने फिर से ये कपड़ा धो के ले लिया, जो अभी लिया था ना वही कपड़ा है, फिर से धो के ले लिया है। तो अब इसको है ना दूध को हम इस कपड़े पे डालेंगे फिर से फटे हुए दूध को। और ये वीडियो में आपको ऐसा लगता होगा फटा नहीं लेकिन फट गया था दूध अच्छे से, तो इसका है ना पानी निकालना है हमें। तो देखिए कपड़े में डालने के बाद में जो नींबू डाला था ना हमने, तो बस उसका रस की वजह से खट्टा नहीं लगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर से ठंडा पानी भी डाल दिया था। और ये कपड़े में डाल के फिर ट्रे में रख दिया था मैंने, और ऊपर से ना एक डिब्बा रख दिया था, तो ये मेरे ना नमक मिर्ची वाला डिब्बा है, माल मसाले वाला, तो ये रख दिया था। और देखिए यहाँ पे इसके पापा सेतुस लेके आए हैं, पर पता नहीं ये सेतुस कच्चे हैं कि पक्के हैं, मुझे पहचान में नहीं आते क्योंकि सेतुस का ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, पर मैंने देख रखे हैं वो थोड़े पीलेपन पे रहते हैं। और ये देखिए छत का नज़ारा दिखा रही हूँ, तो छत पे देखिए हल्दी की क्या हाल चाल है, तो हल्दी हमारी सूखने लगी है, तो ये आज तो इतनी सूख गई है और थोड़े और हम कल सुखा देंगे, तो कल पाउडर बना लेंगे इसका, और बहुत जल्दी सूख जाती इस तरह से हल्दी। और देखिए हमारे देवांश को देख लीजिए खेलने का क्या जुगाड़ बनाया है, अरे वाह देखिए इसको है ना किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, बस अकेला ऐसे खेलता रहता है। तो देखिए अभी हो गया है शाम का टाइम, तो बस भगवान जी के दियावत्ती कर रही हूँ। तो दीपक करने के बाद फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारे पनीर को, क्योंकि हमने दिन में रखा था पनीर, तो अभी हो गया है शाम का टाइम। तो देखिए पनीर हमारा जम गया अच्छे से, और अब इसको निकाल लेते हैं कपड़े में से। तो ये देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं मूंगफली के दाने का पनीर, देख लीजिए आप कितने अच्छे से जम गया है, दाने का क्या दूध का। तो ये पनीर हमारा बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स, तो अब इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छे आसानी से कट हो रहा है फ्रेंड्स, और सच में है ना जैसा पनीर हम बाज़ार से लेके आते हैं ना बिल्कुल वैसा ही टेस्ट रहता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड्स। और आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना फ्रेंड्स, जो दोस्त मेरे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।